मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी हमारे पास में इवेंट का ही है. देखिए अभी तक हमने बहुत सारे इवेंट्स कवर किए हैं, हमने ऑन क्लिक कवर किया है, हमने ऑन माउस मूव कवर किया है, ऑन लोड कवर किया है. तो अब आज फर्स्ट एग्जाम्पल में हम दो इवेंट्स कवर कर रहे हैं, दैट इज माउस ओवर एंड माउस आउट. सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करके बता देती हूँ ताकि आप समझ आए कि किस तरीके से चीजें एक्चुअली में काम कर रही है. Yes, I hope सबको स्क्रीन विजिबल है एंड ऑडियो क्लियर है. As I was saying कि पहले हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद हम वर्किंग की बात करेंगे. तो देखिए सबसे पहला जो मेरा ये प्रोग्राम है, मैंने इसमें एक इमेज को क्रिएट किया हुआ है. अब इमेज को कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स में देखा है, आपके HTML भी पढ़ा हुआ है. तो मैंने सिंपली एक इमेज क्रिएट करी है और उसका हाइपरविड सेट कर दिया है. अब यहाँ पे वर्किंग जो है वो क्या है, जैसे ही मैं इस इमेज पे कर्सर जाके प्लेस करूंगी, मैं इमेज पे किसी भी तरीके का क्लिक नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी तरीके का बटन प्रेस कर रही हूँ. लेफ्ट बटन, राइट बटन, मिडल बटन, हम कोई भी बटन प्रेस नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे हम कर्सर को ले जाके इस पे प्लेस कर रहे हैं. जैसे लिंक पे कर्सर प्लेस करते हैं तो पॉइंटर चेंज हो जाता है और हैंड शेप का हमारा पॉइंटर हो जाता है. सिमिलरली जैसे ही मैंने यहाँ पे कर्सर को प्लेस किया है, इमेज का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया है. अब यहाँ पे जैसे ही कर्सर को मैं हटाऊंगी, वैसे ही इमेज का साइज जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली नॉर्मल वाला हो जाना चाहिए. तो जैसे ही कर्सर को प्लेस करते ही कुछ काम करवाना हो तो उसके लिए हम काम में लेते हैं ऑन माउस ओवर. सिमिलरली अगर मुझे कर्सर हटाते ही कुछ काम करवाना हो तो वो कहलाता है ऑन माउस आउट. अब सिमिलरली हमने एक और इवेंट कवर किया था ऑन माउस मूव, जिसे हम कह रहे थे. मूव का मतलब ये होता है जैसे जैसे कर्सर को मूव करूं वैसे वैसे काम कर, तो वैसे वैसे काम नहीं करवाना. अभी ऑन माउस मूव वाला नहीं, कर्सर को प्लेस करेंगे तब कुछ काम करवाना है, कर्सर को हटाएंगे तब कुछ काम करवाना है. तो उसके लिए दो इवेंट्स हमारे पास में अवेलेबल है. अब देखो सेम एज ऑल द एग्जांपल्स हैव HTML, टाइटल, बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे IMG टैग को यूज करके एक इमेज को क्रिएट किया. src=c.jpg. अब जैसे कि मैं हर एग्जाम्पल में आपको कहती हूँ, इमेज और मेरा प्रोग्राम दोनों सेम फोल्डर के अंदर है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली नेम मेंशन कर दिया है, वरना आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का पाथ मेंशन करना होगा. मेन ड्राइव, इसके अंदर फोल्डर, फिर सब फोल्डर, देन आपकी फाइल करना. अब यहाँ पर इमेज जो है उसके साइज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो मैं करवा रही हूँ वो प्रॉपरली विजिबल हो, इसलिए मैंने इसका हाइट और विड्थ कम रखा है. दैट इज हाइट 100x100 मैंने सेट किया है. अब इस इमेज को हम एक्चुअली कुछ प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो इस इमेज टैग को मैं एक्सेस करूंगी मेरे स्क्रिप्ट के अंदर. तो वहां पर हम इसको आईडी को यूज करके एक्सेस करेंगे. तो यहाँ पे इस इमेज टैग का जो आईडी है वो मैंने IMG1 स्पेसिफाई किया है. अब इस इमेज पे जब कर्सर लेके जाएंगे तब कुछ काम होगा, जब कर्सर हटाएंगे तब कुछ काम होगा. तो इमेज के साथ में इवेंट एसोसिएटेड है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन माउस ओवर. ऑन माउस ओवर मतलब जैसे ही कर्सर को प्लेस करेंगे तब क्या होगा, हमारा चेंज वन नाम का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा. सिमिलरली जब कर्सर को मैं इमेज से हटाऊंगी, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन माउस आउट. जैसे ही कर्सर हमारे इमेज से हट जाएगा, वैसे ही चेंज टू नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल करवाया है. अब इमेज को क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन किया है. उसके बाद दो फंक्शंस हैं मेरे, चेंज वन एंड चेंज टू. अब यहाँ पर चेंज वन मतलब जैसे ही कर्सर को प्लेस किया है तब हम इस फंक्शन को कॉल करवाएं. तो कर्सर को प्लेस करते क्या करवाना, साइज में इंक्रीमेंट करना. अब साइज को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर हमें करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर हाइट और विड्थ को काम में लेते हैं. उसी से ही इमेज का साइज और जो साइज है वो सेट होता है. तो सबसे पहले मैंने लिखा है document.getElementById and IMG1. तो ये हमें क्या करेगा, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पर भी IMG1 नाम का टैग बना हुआ है हम उसे एक्सेस कर रहे हैं इस आईडी की हेल्प से. अब करना क्या है, जो भी ये हमारा टैग है उसकी हाइट मैंने यहाँ पर 200 सेट कर दी. सिमिलरली मेरे पास में नेक्स्ट स्टेटमेंट है document.getElementById IMG1 .width = 200.
तो इमेज को एक्सेस करके उसके हाइट और विड्थ को मैंने 100 बाय 100 की जगह अब 200 बाय 200 सेट कर दिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे कर्सर प्लेस करेंगे वैसे हाइट और विड्थ में इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ही मैं कर्सर को हटाऊंगी तो चेंज टू फंक्शन कॉल होगा जो कि है हमारा ये वाला फंक्शन। अब यहाँ पे भी अगेन मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से IMG1 टैग को एक्सेस किया है और उसकी हाइट मैंने सेट कर दी है 100। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी IMG1 डॉट विड्थ इज इक्वल्स टू 100। तो जैसे ही हम कर्सर को हटाएंगे इमेज से वैसे ही उसका हाइट और विड्थ जो है वो अब डिक्रीज हो जाएगा और 100 बाय 100 यानी कि जो हमने इनिशियली ओरिजिनल साइज सेट किया था वो अब यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो जिस तरीके की वर्किंग मैंने इमेज के साथ में इम्प्लीमेंट करवाई है सेम वर्किंग आप यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट के साथ में करवा सकते हो। जैसे ही मैं बटन पे कर्सर प्लेस करूँ वैसे ही बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, जैसे ही मैं डिवीजन टैग पे कर्सर प्लेस करूँ वैसे इमेजेस लेफ्ट राइट मूव करने लग जाए। किसी भी तरीके की वर्किंग हो सकती है, किसी भी कंपोनेंट पे हो सकता है, बस इवेंट आपको ध्यान रखना है ऑन माउस ओवर ऑन माउस आउट, कर्सर प्लेस करते ही और कर्सर कंपोनेंट से हटाते ही। अब जैसे जैसे कर्सर मूव हो वैसे वैसे काम करवाना है तो ऑन माउस मूव को हम वहां पर काम में लेते हैं। एग्जीक्यूशन मैंने आपको वैसे बता दिया है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया है, जैसे ही कर्सर प्लेस करूंगी वैसे ही साइज में इंक्रीमेंट, जैसे ही कर्सर को हटाएंगे वैसे ही साइज में डिक्रीमेंट। ऑन माउस ओवर और ये ऑन माउस आउट, कुछ इस तरीके से ये इवेंट्स और जो हमारा प्रोग्राम है वो काम कर रहा है। अब किसी को भी किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन, सबको क्लियर है प्रोग्राम? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग का ही पार्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन इवेंट हैंडलिंग में अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है जो कहलाता है हमारा फॉर्म वैलिडेशन। अब देखिए फॉर्म वैलिडेशन जितने भी लोगों ने जावा पढ़ी हुई है, पाइथन पढ़ी हुई है, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द कंसेप्ट कि फॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं और उन पे वैलिडेशन कैसे लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म पे वैलिडेशन लगाने का मतलब क्या होता है, जो भी डेटा हमने इनपुट किया है उसे चेक करना कि वो सही है या नहीं। आई एम श्योर आप सब लोगों ने अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा होगा अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स पे, लाइक हमारे पास में अमेज़न होता है, नेटफ्लिक्स होता है, इवन अगर हमें जीमेल का भी लॉगिन करना हो या हमें अकाउंट क्रिएट करना हो तो हम हमारे पास में एक फॉर्म आता है जहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं। अब मान लीजिए हमें एक लॉगिन करना है, लॉगिन में हमारा ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर आता है और अब उसके बाद हमें पासवर्ड इनपुट करना होता है। अब पासवर्ड में हमसे ये कहा जाए कि आपको 8 characters या 10 characters का पासवर्ड सेट करना है। आपने 4 ही लिखा, सिर्फ 4 characters लिखे 1 2 3 4, तो क्या वो एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं, हमारे पास में एरर आती है। सिमिलरली मेरे पास में ईमेल एड्रेस होता है, अगर मेरा ईमेल एड्रेस ऑलरेडी कोई और इंसान यूज कर रहा है या वो क्रिएटेड है तो जो गूगल है वो हमें सजेशंस देता है कि आप इसके अलावा ये वाला ईमेल एड्रेस काम में ले लो क्योंकि वो वाला यूज हुआ। तो हुआ क्या है, जो डेटा हमने इनपुट किया है उन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर वो पहले चेक हुआ है क्या वो सही है या नहीं। तो ये जो डेटा को चेक करने का फिनोमेना है ये कहलाता है हमारा वैलिडेशन। और क्योंकि सारी वर्किंग फॉर्म्स पे है तो कंसेप्ट कहलाता है फॉर्म वैलिडेशन। अब फॉर्म्स पे वैलिडेशन या फॉर्म्स के डेटा की चेकिंग सिर्फ तभी हो सकती है जब हमारे पास में किसी ना किसी तरीके का इवेंट अगर किया गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं बटन पे क्लिक करूं तब काम हो, या जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया है तब काम हो जाए। एक टेक्स्ट बॉक्स पे मैं अभी करंटली हूं और मैंने टैब बटन को प्रेस किया तो मैं नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाऊंगी। तो जैसे ही हम उस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकले वैसे ही हमें कुछ काम करवाना है। तो इवेंट हैंडलिंग के ही अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा ये फॉर्म वैलिडेशन। प्रैक्टिकल के अंदर जावास्क्रिप्ट में आप मान के चलिए कि फॉर्म वैलिडेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, किसी ना किसी सेट के अंदर तो डेफिनेटली आएगा। इनफैक्ट कभी कभी थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कोई भी 3 components एक्सप्लेन करिए तो आप लेबल बटन टेक्स्ट बॉक्स को यूज करके कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है, पहले फॉर्म देख लेते हैं उसके बाद वर्किंग देखेंगे। देखिए जो फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है उसमें मैंने 3 labels क्रिएट करे हैं, num1, num2 एंड sum, और मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग 3 text boxes क्रिएट करे हैं।
अब यहाँ पे मुझे करवाना क्या है, वो सारी वर्किंग होगी इस शो और क्लियर बटन के क्लिक। बेसिकली यूजर इस नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा टाइप करेगा, नंबर टू वाले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा टाइप करेगा। अब जैसे ही वो शो बटन पे क्लिक करेगा, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में जो भी डेटा है वो एड होके इस सम वाले टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ये तो है शो बटन के क्लिक पे काम। नेक्स्ट है मेरे पास में क्लियर बटन। जैसे ही क्लियर बटन पे क्लिक करूं, वैसे ही सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो जाने चाहिए, मतलब एम्प्टी हो जाने चाहिए। तो ये हमारी कुछ बेसिक वर्किंग है। हालांकि ये तो अभी सबसे सिंपल एग्जांपल है, आगे जाके हम और वैलिडेशन भी इम्प्लीमेंट करेंगे अलग अलग इवेंट्स के साथ में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि हम जैसे जैसे कोड इंक्रीज होता जाता है, हम कोशिश करते हैं कि हम पहले फॉर्म का डिजाइन मेंशन कर दें और बाद में हम हमारा जो स्क्रिप्ट टैग है वो मेंशन करें, क्योंकि फंक्शन की जो लोडिंग है वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है और फिर उस केस पे हमारा पेज का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली लोड नहीं हो पाता। तो यहाँ पे पहले मैंने फॉर्म टैग को काम में लिया है, फॉर्म का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग की वर्किंग इम्प्लीमेंट करी। देखिए सबसे पहले सेम एज ऑल द एग्जांपल्स एचटीएमएल हेड टाइटल बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग को भी स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्म टैग को काम में लो, अगर आप ये टेक्स्ट और ये कंप्लेंट्स डायरेक्टली भी लिख दोगे तो भी आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग को काम में लिया है ताकि मेरे पास में सारे कंप्लेंट्स का एक कलेक्शन बन जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया है, दैट इज नंबर। अब अगर आपको यहाँ पे लेबल टैग काम में लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्टली टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा दिया है, डॉक्यूमेंट पे वो डिस्प्ले हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए डायरेक्टली मेंशन कर दिया है। अब इस टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के बाद मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, तो नंबर के बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग को काम में लिया है। अब यहाँ पे इनपुट टैग के साथ में जो टाइप एट्रीब्यूट होता है वो बताता है कि हम किस तरीके का कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। मैंने लिखा था इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, तो बटन क्रिएट हो रहे थे। अभी मैंने लिखा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा। सिमिलरली फ्यूचर में हम लोग रेडियो लिखेंगे, चेक लिखेंगे, तो रेडियो बटन क्रिएट हो जाएगा, हमारे पास में चेक बटन क्रिएट हो जाएगा। तो किस तरीके का कंपोनेंट क्रिएट करना है वो डिसाइड करता है ये टाइप एट्रीब्यूट। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा इनपुट किया गया है मुझे उस पर कुछ कैलकुलेशन इम्प्लीमेंट करवानी है, और एचटीएमएल में तो कैलकुलेशन होता नहीं है, मतलब हमें प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी स्पेसिफाई करी है txt_num1, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो br टैग मेंशन किए, तो num1 टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा और br की हेल्प से हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। सेम प्रोसेस इज फॉर नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स एज वेल। num2 टेक्स्ट लिखा है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल्स टू txt_num2 फॉलोड बाय br टैग। तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास भी बन जाएगा और br की हेल्प से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। सेम गोज फॉर द लास्ट स्टेटमेंट एज वेल। सम एक टेक्स्ट लिखा है मैंने, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल्स टू txt_sum एंड अगेन फॉलोड बाय br टैग, तो फिर से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तीनों लेबल्स क्रिएट हो गए और तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस भी क्रिएट हो गए। अब हमें दो बटन्स क्रिएट करने, तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू शो। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू क्लियर। अब इस शो बटन के क्लिक पे मुझे क्या करवाना है, कैलकुलेशन करवा के रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है। तो जब भी हम लोग माउस के लेफ्ट बटन के क्लिक पे कुछ काम करवाना होता है तो ऑन क्लिक इवेंट को काम में लेते हैं, तो ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने शो रिजल्ट नाम का एक फंक्शन को कॉल करवाया है। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर जो बटन मैंने क्रिएट किया है क्लियर, उसके क्लिक पर मुझे क्लियर डेटा नाम के फंक्शन को कॉल करवाना है। अगेन माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और उसके बाद मैंने फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया। ये तो है मेरे फॉर्म की डिजाइनिंग। अब जो भी वर्किंग है वो तो हम स्क्रिप्ट टैग में मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद मेरे दोनों फंक्शंस, तो फंक्शन शो रिजल्ट। अब शो रिजल्ट फंक्शन क्या कर रहा है, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो डेटा है, पहले उस डेटा को हमें पिक करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा, तभी तो हम सम करवा पाएंगे। डायरेक्टली थोड़े दोनों टेक्स्ट बॉक्स को हम ऐड करवा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है हमें उनको ऐड करवाना है। तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करना पड़ेगा, जब तक एक्सेस नहीं करेंगे तब तक डेटा कैसे आएगा।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से टीएक्सटी नम वन जिसकी भी आईडी है मैंने उस टैग को एक्सेस किया, यानी कि फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पर जिस तरीके से पैराग्राफ के कंटेंट को चेंज करने के लिए हमारे पास में इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी होती है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट में वैल्यू को सेट और गेट करने के लिए हम लोग गेट मेथड और सेट मेथड को काम में लेते हैं। सिमिलरली टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर किसी भी तरीके का डेटा अगर प्रेजेंट है हमें उसे एक्सेस करना है या फिर हमें टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डेटा को असाइन करवाना है, दोनों चीजों के लिए यहाँ पे हमारे पास में एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी अवेलेबल है जो कहलाती है वैल्यू। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टीएक्सटी नम वन डॉट वैल्यू, जो भी डेटा होगा इस फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अब हम उसे एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ में एक गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स का जो रिटर्न टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। तो टेक्स्ट बॉक्सेस में अगर मुझे डेटा असाइन करवाना है या मुझे डेटा गेट करना है, दोनों का जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए। अब यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप को यूज करके अगर मैं प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगी तो एडिशन नहीं होगा, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा और वो तो नहीं करवाना। तो वैल्यू को एक्सेस करने के बाद पहले मैंने पार्सेंट की हेल्प से टाइप कन्वर्जन किया है और फिर एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट एज वेल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी टी एक्स सी नम टू डॉट वैल्यू, तो जो सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स है मैंने उसे एक्सेस किया और उसकी वैल्यू को मैंने गेट कर लिया है यूजिंग वैल्यू प्रॉपर्टी और फिर उसे टाइप कास्ट किया है पार्सेंट की हेल्प से और वाई नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने असाइन करवा लिया। अब पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आ गई और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भी आ गई, सिंपली क्या करना है उनको एड करवा के थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करवाना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर ए एन एस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, मान लेते हैं एक्स के अंदर 10 है वाई के अंदर 5 है, तो 10 प्लस 5 15 हो गया जो ए एन एस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी टी एक्स टी सम डॉट वैल्यू, जैसे कि मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले कहा चाहे हमें टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर वैल्यू को असाइन करवाना हो या फिर वैल्यू को गेट करना हो, दोनों चीजों के लिए सेम प्रॉपर्टी काम में आएगी, दैट इज वैल्यू प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे txt sum वाले टेक्स्ट बॉक्स को मैंने एक्सेस किया है और उसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी है जो कि है ans वेरिएबल के अंदर, दैट इज 15। तो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को एक्सेस करके डेटा को हमने गेट किया, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाया और सम वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन करवा दिया। यही हमारी शो बटन की वर्किंग। अब यहाँ पे एक और बटन क्लियर बटन, उस क्लियर बटन पे क्लिक पे सारा डेटा क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सारा डेटा क्लियर होने का मतलब मुझे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको एम्प्टी करना है। तो फंक्शन क्लियर डेटा, तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टीएक्सटी नम वन टीएक्सटी नम टू एंड टीएक्सटी सम। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का असाइनमेंट करना हो, किसी भी तरीके का डेटा हमें चेंज करना हो, हमेशा वैल्यू प्रॉपर्टी ही काम में आती है। तो txt num1 dot value is equals to opening and closing quotes, तो होगा क्या हमारा डेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स का मतलब होता है कुछ भी डेटा नहीं, तो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे चाहे डेटा असाइन करना हो या गेट करना हो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है, तो इसलिए यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स जीरो असाइन नहीं करेंगे, हमें एम्प्टी करना है पूरे टेक्स्ट बॉक्सेस को, जीरो असाइन नहीं करवाना। नेक्स्ट txt num2 dot value is equals to opening closing quotes and txt sum1 dot value is equals to opening and closing quotes, तो तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पे हमारे क्लियर हो गए। अब मैंने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt num1 dot focus। अब इस फोकस का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपोनेंट को हम एक्टिव कंपोनेंट बनाना चाहते हैं। एक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, रिजल्ट डिस्प्ले हो गया और उसके बाद मैंने क्लियर बटन पे क्लिक किया, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो गए। अब हमें अगर डेटा इनपुट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से टेक्स्ट बॉक्स पे जाकर क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं वो नहीं करवाना चाहती, सारे डेटा को अगर क्लियर करवाना है तो क्लियर करवा दो और उसके बाद जो कंट्रोल है वो फिर से फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे पहुंचा दो। तो किसी भी एलिमेंट पे कंट्रोल पहुंचाने के लिए, उसे एक्टिव एलिमेंट बनाने के लिए हम काम में लेते हैं फोकस फंक्शन। अब कौन से एलिमेंट को आपको फोकस प्रोवाइड करवाना है उसको हम बस एक्सेस करना पड़ेगा।
तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से मैंने txt num1 को एक्सेस किया और फोकस फंक्शन की हेल्प से मैंने उसे एक्टिव एलिमेंट बना दिया। अब एक बार पहले इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम देखें। एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर रही हूँ, अभी हमारे पास में कोई भी कंपोनेंट जो है वो एक्टिव नहीं है। डेटा अगर इनपुट करना है तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दिया, देखिए ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया है। अब मैं यहाँ पे डेटा इनपुट कर रही हूँ, दैट इज 20। उसके बाद मैंने टैब प्रेस किया तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आ गई, मैं यहाँ पे डेटा इनपुट कर रही हूँ सपोज 33। अब जैसे ही मैं शो बटन पे क्लिक करूंगी तो देखिए सम के अंदर यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्लियर बटन पे क्लिक पे क्या करना है, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करवाना है। मैंने क्लियर कर दिया और अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स पे जो मेरा कर्सर है वो आ गया है। तो डेटा को क्लियर करने के बाद मेरा जो कर्सर है, जो पॉइंटर है, वो लॉस नहीं हो जाए, वो किसी ना किसी कंपोनेंट पर रहे, उसके लिए हम फोकस फंक्शन को काम में लेते हैं। अगर आपको नहीं करवाना तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, हमारा प्रोग्राम फिर भी काम करेगा, लेकिन एक्टिव एलिमेंट रहे इसलिए मैंने फोकस को काम में लिया। तो आई होप फंक्शन का एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम, सबको सब कुछ क्लियर है। किसी को भी किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन? नेक्स्ट एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले हम असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कंप्लीट भी नहीं होगा तो इसे हम नेक्स्ट सेशन से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे असाइनमेंट बता देती हूँ। देखिए 3 असाइनमेंट जो है वो मैंने आपको कल सॉल्व करने के लिए दिए थे, राइट। एक में आपको इमेज को मूव करवाना था लेफ्ट टू राइट, एक में आपको इमेज का साइज इंक्रीज करना था, देखिए सबसे पहला जो हमारा असाइनमेंट था उसमें आपको इमेज को लेफ्ट टू राइट मूव करवाना था। सेकंड जो हमारा असाइनमेंट था उसके अंदर आपको इमेज का जो साइज है वो इंक्रीज करना था, हर थोड़ी देर के बाद इमेज का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा था, फिर वापस से मिनिमम होके फिर वापस से इंक्रीज हो रहा था। थर्ड जो मेरा असाइनमेंट था उसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट की जगह आपको अपना नाम डिस्प्ले करवाना है और अलग अलग कलर्स इस पे जाके बस अप्लाई होते रहने चाहिए। अब नेक्स्ट मैंने क्वेश्चंस को ड्राइव पे जो डॉक्यूमेंट है उस पे अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको एक बार क्वेश्चन जो है वो बता देती हूँ किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। देखिए आपको यहाँ पर दो बटन्स क्रिएट करने हैं, आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है, दो बटन्स आपको यहाँ पे क्रिएट करने हैं, एक है एक्सेप्ट बटन और एक है शो बटन। इस एक्सेप्ट बटन के क्लिक पे हमसे एक इनपुट मांगा जाएगा, तो आपको एक स्ट्रिंग या मान लेते हैं कि आपको अपना नाम ही इनपुट करना है, तो मैं यहाँ पे आर्यन कॉलेज इनपुट कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे ओके बटन पे क्लिक कर दी, बस एक्सेप्ट के क्लिक पे आपको इतनी ही वर्किंग करवानी। उसके बाद शो बटन पे आपको क्या करवाना है, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे पूरी स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर एक एक करके डिस्प्ले होना चाहिए, एक साथ पूरी स्ट्रिंग नहीं आएगी, हर थोड़ी देर बाद में स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर निकल के आना चाहिए और डिस्प्ले होना चाहिए जब तक हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग पर नहीं पहुंच जाते। तो एक बटन के क्लिक पे आपको यूजर से इनपुट लेना है और शो बटन के क्लिक पे वही इनपुट आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिस्प्ले करना है। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। ऑल राइट देन, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर यूजर से एक नंबर का इनपुट लेना है, नंबर कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर 5 एज अ वैल्यू इनपुट कर रही हूँ। जैसे ही मैं इनपुट करके एंटर प्रेस करूंगी यहाँ पे मेरे पास में एक मैसेज आ रहा है, मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, देखिए टच मी टू डबल योर वैल्यू। वैल्यू हमने क्या इनपुट करी, 5 इनपुट करी, तो अगर मैं इस टेक्स्ट को जाके टच करूंगी तो वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी, मतलब 5 × 2 = 10। फिर यहाँ पे फिर से मैं इसको टच करूंगी तो 10 × 2 = 20 हो जाना चाहिए, फिर 20 × 2 = 40 हो जाना चाहिए, 40 × 2 = 80 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर इसको लेके गई हूँ, देखिए योर वैल्यू हैज बीन डबल, न्यू वैल्यू इज 10। फिर से मैंने इस पे कर्सर प्लेस किया, योर वैल्यू हैज डबल, न्यू वैल्यू इज 20। फिर से मैंने कर्सर प्लेस किया, 40 हुआ था, 40 के बाद 80 हो गया। फिर से मैंने कर्सर प्लेस किया, 160 = 320, फिर 640, फिर 1280, फिर 2560। तो जैसे जैसे हम कर्सर प्लेस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो इनपुट है वो डबल
होता रहे। ये हैं हम आज के दो असाइनमेंट इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड, जितने भी इवेंट्स हमने कवर किए हैं, फंक्शंस हमने कवर किए। अब किसी को भी दोनों असाइनमेंट्स में किसी भी तरीके का कुछ कंफ्यूजन है? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट सेशन